हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के 5:30 बज रहा है और देखो अभी तक हाई मास्ट ऑन है, 6 बजे तक ऑन रहता है शायद। और बादल की हालत देखो, लग रहा है ऐसे कि बारिश होने वाला है। पूरे काले हो चुके हैं बादल और बारिश होना चाहिए। ऐसा वेदर मस्त है, हवा भी चल रहा है, लेकिन बारिश होना चाहिए। अभी बरसात का टाइम आ चुका है ना। हमने इस रोड का हालत देखो, टोटली ख़राब हो चुका है, इधर भी और इधर भी। और ये पाइप शायद यहाँ पर रखे हुए हैं इस रोड के अंदर ही बैठने के लिए। ये पानी के पाइप हैं और पानी के पाइप के बैठाने के चक्कर में ही रोड ख़राब हुआ। इससे पहले ये रोड काफ़ी मस्त था, लेकिन पानी का पाइप बैठना था तो इसीलिए रोड को तोड़ना पड़ा। टोटली उसको पीच को तोड़ के ऐसे किया है, इसीलिए इसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ख़राब है। नहीं, ख्यालों में चल रहा था पैदल, चलते चलते सिंगरन तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर सिंगरन ब्रिज में आ चुका हूँ और वेदर इतना मस्त है ना, चलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो गया मेरे बिना जाने। मस्त हवा चल रहा है, आसमान देखो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। वो तो ब्रिज के साइड से जा रहा हूँ जो कि मेन फुटपाथ है, यहाँ से तो गाड़ियाँ साइड से। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से अंडाल मोड़ भी पहुँच जाऊँगा। मस्त हवा चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और सुबह इतना सुबह है, अभी 6 नहीं बजा है तो अभी तक सूरज भी नहीं उठा है। मुझे एक्चुअली रुकना था पुल के पास में, वहाँ से टोटो पकड़ना था, मैं सीधा चल के आ गया। ये सिंगर उनके पास में पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मुझे टोटो भी पकड़ना था। तो यहाँ से तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है अंडाल मोड़ का, 500-700 मीटर होगा, उसके लिए टोटो लेके क्या होगा। यहाँ पे देखो पत्ते काफ़ी नीचे तक आ गए हैं। अंडाल मोड़ पे पहुंच गया हूँ और यहाँ पे साइड में रुका हुआ हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गए हैं और बादल कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। देखो धीरे धीरे ऐसे उधर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। और 6:10 में एक बस था, मतलब मुझे 6:10-11 में एक सुपरफास्ट बस मिलता था, वो तो अभी तक आया नहीं है। एक बस चला गया मिनी बस, दूसरा एक मिनी बस फिर से आ रहा है, लेकिन सुपरफास्ट का कुछ आता पता नहीं। और बाहर धीरे धीरे बारिश हो रहा है, पानी मुझे नहीं, कोई भी बस नहीं आ रहा। ये तो बेनाचिदी वाला बस है, इसमें तो जाने का कोई, देखो पूरा खाली है बस, पूरा टोटल खाली है। और मैं ये दुर्गापुर वाला बस होता तो भी मैं नहीं जाता क्योंकि मिनी बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, 30-35 मिनट टाइम लगा था, जो कि सुपरफास्ट होगा तो 10-12 मिनट में पहुँचा देगा मुझे गंदी को। मैं इंतज़ार करूँगा। गया सुपरफास्ट बस, फाइनली आ चुका है, मैं निकलता हूँ अभी। 6:15 टाइम हो रहा है, 6:30 से पहले मैं पहुँच जाऊँगा, जल्दी निकलता हूँ, ये छोड़ देगा तो दिक्कत है। लास्ट पहुंच गया हूँ गांधी मोड़ में, अभी फ्लाईओवर के नीचे हूँ, वहाँ पे देखो गांधी जी जा रहे हैं। मैं चलता हूँ सीधा इस जगह से, नहीं यहाँ से खाली जगह से चलता हूँ और जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब बिल्डिंग पे पहुँचता हूँ। आज काम करते करते यार 1:30 बज गए। आज रेलवे का एक एग्ज़ाम चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले, 9:30 से 12:30 बजे तक। तो अंदर आज मैं इन्विजिलेटर का काम कर रहा था, कोई और नहीं था इसीलिए, तो फ़ोन इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं था, इन्विजिलेटर का अलाउड नहीं है। और कौन आया देखो मेरे साथ, ये देखो ऋतिक, ऋतिक को हर जगह पे कांटेक्ट है इसे, वो भी आ जाएगा काम करने के लिए। ओके, हाफ स्टाफ ख़त्म हो गया, अभी सेकंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है, वो 3:30 बजे से। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं। आज मॉड्यूल नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूल नंबर 3 में दिक्कत हो गया, वहाँ पे मेरे एसी काम नहीं कर रहा। तो सामने वाला मॉड्यूल है ना जहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे दिक्कत हो गया थोड़ा सा। अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं और आज तो संडे है, घर में रहना चाहिए था लेकिन काम था। और बाहर का वेदर देखो, थोड़ी देर में लंच करने के लिए जाएंगे, अभी यहीं पे बैठते हैं। मस्त 2:45 बज चुका है अभी और टाइम नहीं बचा है सेकेंड हाफ के लिए। सेकेंड शिफ्ट के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्रॉस हो गया, 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो अभी कैंडिडेट को बिठाना पड़ेगा पहले, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 3:30 बजे, उसके बाद ही लंच करने जा पाएंगे। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा लग रहा है, मैं और ऋतिक एक ही साथ जाऊँगा। तो अभी फिलहाल चलता हूँ अंदर, अंदर चल के अभी रजिस्ट्रेशन का काम है, कुछ बहुत सारे काम है, इन्विजिलेटर का काफ़ी सारा काम होता है तो वो करना है। शाम के 4 बज चुके हैं अभी और आज एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, 3:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्टिंग था तो इसीलिए लंच करने में अभी इतना टाइम हो गया। अभी जा रहा हूँ यहाँ पे कैंटीन में लंच करने के लिए। और आज थोड़ी देर पहले बारिश हुआ है, देखो ये देखो
और वेदर क्या लग रहा है, जब मैं अंदर था तब बारिश हो रहा है, वेदर देखो। हालांकि भाई भाई यार आज मेरा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं चलता हूँ अभी अंदर कैंटीन में, कुछ बचा है कि नहीं देखते हैं। अभी 4 बज रहा है, कुछ खाते हैं। वो बारिश स्टार्ट हो गया है, ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ से निकल नहीं सकता अभी जब तक बारिश बंद ना हो। इन वेदर देखो कितना मस्त लग रहा है, ये बिल्डिंग कितना मस्त लग रहा है। फ़ोन में बारिश गिर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बुला रहे हैं वहाँ से, 6:30 बज रहे हैं, एग्जाम खत्म हो गया, अभी निकल रहे हैं। 6:48 बज रहे हैं, इतनी बोले 6:48 बज रहे हैं, तो वो भी निकल रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। अभी चलते हैं, अब पहले लिफ्ट से निकलते हैं, उसके बाद बिल्डिंग से निकलते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। और फिलहाल आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसा लोग वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अच्छे के लिए देखो कितना दे रहा है।